गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 4 जुलाई 2020 और आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मैं अर्चना सिंह आपका सक्सेसमैन चैनल पर वेलकम करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या इतिहास में हमारे चीज़ें जो चल रही हैं उसमें आगे क्या हो रहा है, मतलब कि कल की खबरें जो थी उसके आगे क्या खबरें बढ़ी हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं क्या क्या नई चीज़ें हुई हैं। और आप जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी खबर है आज की, हाल ही में ICIC अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दे दिया है, तो एज यू नो शशांक मनोहर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा और भी कितने करंट अफेयर हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, बट इससे पहले जो व्यूवर्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस पे मेंस से सीरीज चलाई जा रही है और जल्द ही बस एक दो दिन और वेट करिए आपको वापस वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से PPTs बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई नहीं, आपको एक दो दिन का और वेट करना पड़ेगा, एज इट इज़ जैसे आपको वीडियोज़ मिल रही थी वैसे ही आपको आगे भी मिलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो करेक्ट आंसर है शशांक मनोहर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसको ICC कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख पद पर रहने के बाद से इस्तीफा दे दिया है। ICC बोर्ड ने फैसला किया है कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। विश्व में जो क्रिकेट मैच करवाता है वो ICC ही करवाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी जो हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को, इसका मुख्यालय है दुबई में। इसके अभी फिलहाल CEO हैं मनु साहनी और अध्यक्ष शशांक मनोहर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब इसके अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। हाल ही में भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है, तो ये अभी फिलहाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये KK जो वेणुगोपाल हैं, भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी जिन्हें कहा जाता है। वेणुगोपाल को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुडनी जॉनसन किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने हैं आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 92% पॉपुलर वोटों के साथ जीत दर्ज की, जो कि आइसलैंडिंग राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। आइसलैंड की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी रिकजैविक है। आइसलैंडिक क्रोना यहाँ की करेंसी है और प्रधानमंत्री कैटरीन जैको बसदौतिर हैं और राष्ट्रपति गुडनी जॉनसन यहाँ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफ़ायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन का ऋण मंजूर किया है, तो ये किया है तमिलनाडु राज्य के लिए। भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए समझौता किया है। तमिलनाडु की यहाँ बात करें तो इसकी कैपिटल है चेन्नई, इसके मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी, इसके राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित और तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। लोकसभा की यहाँ 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 234 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजडन ने किसे भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है, तो ये चुना गया है रविंद्र जडेजा को। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है। जडेजा अब तक 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 2020 मैच खेले हैं इन्होंने। अब BCCI की फुल फॉर्म की बात करें तो यह है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और इसका मुख्यालय है मुंबई में। प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियो के साथ मिलकर कितने साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन के लिए डील की है, तो ये की है 2 साल के लिए। प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियो के साथ मिलकर 2 साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन के लिए डील की है। वर्ष 2012 में हॉलीवुड में वॉइस एक्ट्रेस के रूप में डेब्यू करने वाली प्रियंका के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं, तो ये रह सकते हैं 2036 तक। संविधान संशोधन कानून के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6-6 वर्ष के लिए 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस खिलाड़ी के नाम
वनडे इंटरनेशनल में सबसे अधिक 62 बार मैन ऑफ द मैच बनाने का रिकॉर्ड है, तो ये है सचिन तेंदुलकर के। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अभी भी 463 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के दौरान सबसे अधिक 62 बार मैन ऑफ द मैच बनाने का रिकॉर्ड है इनके नाम। साथ ही 15 मैन ऑफ द सीरीज भी इनके नाम है, जबकि अब तक 248 वनडे इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेले हैं और वह अब तक 36 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के कैरियर में 700 गोल करने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी ये बन गए हैं, तो ये बन गए हैं 7th खिलाड़ी। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के कैरियर में 700 गोल करने वाले विश्व के 7th खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने स्पेनिश ला लीगा के मैच में बार्सिलोना की ओर से खेलते हुए पेनल्टी पर गोल करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जबकि मेसी ने 862 मार्च में ये रिकॉर्ड और रोनाल्डो ने 972 मार्च निया मैच आएगा मैच में ये रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख की गलवन घाटी में चल रहे तनाव के बीच किस देश ने भारत के समाचार पत्रों वेबसाइट पर रोक लगा दी है, तो ये लगाई है चाइना ने, यानी चीन ने। हालांकि भारत में भी चीनी अखबारों वेबसाइट पर रोक नहीं लगाई गई है फिलहाल, और साथ ही चीन में केवल नेटवर्क और डीटीएच से भारतीय टीवी चैनल भी गायब हो गए हैं। निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये दिया है हमारे न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि क्वारंटीन सेंटर की सुरक्षा में चूक हुई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार डेविड क्लार्क ने कोरोना को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के बाद आलोचनाओं के बाद इस्तीफा दिया है। चलिए आज की करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।